Hi everyone, this is Shweta and welcome back to this channel. Okay, today is Sunday and finally I have got some time today to shop for my winter flowering plants. I know it's a bit late for it, but we can work it out and you know, it's better late than never, na? So now I'm planning to go to my nearest plant nursery and of course I'll take you all along. So let's go plant shopping. This nursery we are going today is very close to my house, so we'll just walk there. The bougainvillea you are seeing at the right side is hardly 3 months old, and I plant this one to cover this ugly looking garage area. Hope it quickly grows and gives lots of flowers. Okay, those who are thinking who is recording me today, it's my sister. I asked her to go with me today as I'm not at all comfortable to record me while holding the camera by myself. Okay, we have reached. यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे saplings हैं seasonal plants के. I'm wondering if I should take roses with me today, because my experience with roses are not so good actually. Normally हर साल मैं जो जो plants लेती हूँ तो सोच रही हूँ कि इस बार भी वही ले लूँ, like dahlias and petunias, chrysanthemums and some incas, because there is no room left for extra pots in our rooftop garden. बहुत सोचने के बाद फाइनली मैंने ये दो रोजेस ले ही ली. मैंने बहुत सारे विंटर फ्लावर्स के सैपलिंग्स लिए हैं और वर्मी कंपोस्ट भी मिल रहा था 15 रुपीस पर केजी में, तो मैंने वो भी 5 केजी ले ली. Our plant shopping is done. Now let's go home and we will plant these saplings today itself. And then मैं आपको इसकी pricing बताती हूँ मैंने कितने में लिया ये saplings. एंड एज आई टोल्ड अर्लियर कि मेरे रूफटॉप में एक्स्ट्रा पॉट्स के लिए जगह नहीं है, तो ये जो टॉल वेराइटीज़ के कॉस्मोस है एंड पेरिनियल मेरीगोल्ड को मैं ये सॉइल में ही लगा दूंगी नीचे. These are all my old pots and इनको मैंने पहले से ही potting mix के साथ ready करके रखा है. For potting mix, I have taken 50% normal garden soil and 20% sand, 10% vermicompost and 20% cow dung manure. And थोड़ा सा मैंने neem cake powder and fungicide भी add किया है. मैंने आज ही सारे plants के repotting कर दिया because I might not get time to do it tomorrow. बट आई वुड सजेस्ट कि आप नर्सरी से प्लांट ले आने के बाद एक दो दिन ऐसे ही रख दें, देन रिपोर्टिंग करें. सारे प्लांट्स रिपोर्टिंग हो गए हैं, नाउ इट्स टाइम टू वाटर देम. आई विल कीप ऑल दिस पॉट्स इन शेमी शेडेड एरिया, क्योंकि अभी अभी रिपोर्ट किया है तो ज़्यादा धूप में प्लांट्स खराब हो सकता है. Okay, just realize I have not mentioned the pricing of the plants. So let's start with these roses. This one cost me 40 rupees only. This one is tall perennial variety of rose. Ye bahut sare flowers dete hai throughout the year and it cost me 60 rupees. Now coming to this chrysanthemums. I have got this with 8 inch pot at 40 rupees each. यहाँ पे क्रिसेंथेमम के और कुछ प्लांट्स है, ये आए हैं 10 रुपीज ईच में. नाउ देज आर डालियाज, आई हैव गॉट ओनली 3 एंड दिस कॉस्ट मी 10 रुपीज ईच.
दिस पिटूनियाज आर ऑफ 40 रुपीज एज विद दिस टेराकोटा पॉट्स। पिटूनियाज के एकदम छोटे छोटे सैपलिंग्स भी है, ये मैंने लिया है हैंगिंग बास्केट के लिए। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए देन इसे मैं बास्केट में ट्रांसफर कर दूंगी एंड दिस कॉस्ट मी 5 रुपीज ईच। ओके, आई हैव टोटली फॉरगॉट दिस प्लांट नेम। एनीवे, दिस वन आई गॉट इन 20 रुपीज ईच। दिस इनकास आर ऑफ 10 रुपीज ईच एंड इसमें से दो मस्टर्ड येलो है एंड दो लेमन येलो। दिस आर कॉस्मोस एंड आई हैव गॉट 5 ऑफ दिस ट्वेल्व वेराइटी एंड जो 12 वेराइटी है उनको मैंने नीचे सॉइल में लगाया है एंड दिस वर प्राइस्ड एट 5 रुपीज ईच। मुझे कॉस्मोस बहुत ज़्यादा पसंद है एंड मैं हर साल नर्सरी में इनकी सैपलिंग्स ढूंढती हूँ बट लास्ट 3-4 ईयर्स में मुझे नहीं मिला, फाइनली दिस ईयर मुझे मिल गया। नेक्स्ट प्लांट है ये डायंथस एंड इट कॉस्ट मी 10 रुपीज ईच। दिस आर नेस्टेशियम एंड दिस कॉस्ट मी 10 रुपीज ईच। नाउ द लास्ट प्लांट आई हैव गॉट इज दिस फर्स्ट लव। दिस इज़ नॉट ए सीजनल प्लांट एक्चुअली, इट्स अ पेरिनियल। कभी कभी ये प्लांट जो है थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करते हैं। मेरे पास एक्चुअली एक था 4-5 साल पहले, बट ये बेसिकली एक विंटर फ्लावर है सो विंटर में ये ज़्यादा फ्लावर देता है और ये प्लांट मुझे पड़ा 60 का। सो ये था प्राइसिंग सारे प्लांट्स के और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये प्राइसिंग एक्सपेंसिव था या नहीं और आप कितने दाम में प्लांट्स बाय करते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना ताकि मुझे एक आइडिया मिले। सो दिस वर ऑल माई प्लांट्स दैट आई बॉट टूडे एंड एज आई टोल्ड आई विल कीप दिस पॉट्स इन शेमेशेडेड एरिया फॉर अ डे और टू एंड टुमारो आई विल एड सम बोन मिल पाउडर और DAP इन टू दिस पॉट्स बिकॉज बोन मिल इज एक्सेलेंट टू प्रोमोट रूट ग्रोथ जो कि इस पीरियड में बहुत नेसेसरी है। So that was pretty much it and of course I will keep updating about these plants in my community post so stay tuned there and yeah thank you so much for staying with me and I'll see you soon with a new video till then take care bye.